अस्सलाम वालेकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं? सुबह बख़ैर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज का ये ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, तमाम मामलात में आसानियां करे, आपके भी और हमारे भी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कल की जो गुज़श्ता वीडियो थी उसमें बताया था कि हमारे टाइमिंग्स क्या हैं और एक्सरसाइज का, इस वक्त एक्सरसाइज का टाइम हुआ हुआ है इंशाल्लाह, और एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं। तो आपको दिखाते हैं अपना एक्सरसाइज जिस रूम में करते हैं उसका क्या सेटअप है। ये एक मशीन है एक्सरसाइज की, जो कंप्लीट एक जिम है जिसके अंदर कोई पाँच छः किस्म की एक्सरसाइज होती हैं। इसको करते हैं, फिर थोड़ी सी हैंड फ्री, और ये कुछ छोटे मोटे वेट्स हैं, ये डंबल्स पड़े हुए हैं, ये हल्के फुल्के करते हैं। और लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि वेट ना उठाया जाए और बग़ैर उसके जो हैंड फ्री एक्सरसाइज हैं वो की जाएं, और कोशिश होती है कि वो ही ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि जिस्म जो है वो अपने एक शेप में और एक्टिव रहे। तो हम अब ये अपनी एक्सरसाइज करने लगे हैं और आपको आगे भी दिखाएँगे आज दिन के हमारी क्या मसरूफियात होती है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले पौधों को पानी वगैरह लगाया है। ये दोस्तों अभी मैं बाहर से कुछ काम करके आया हूँ, तो ये फिर तैयार बैठा हुआ है गूगल हमारा छोटू, कि किसी तरह अंदर जाने का रास्ता मिले। इनको खाना अभी थोड़ी देर पहले दिया, लेकिन ये जितनी दफ़ा बाहर आ जाओ तो ये समझते हैं हमें खाना देने के लिए बाहर आए हैं। दोस्तों कैसे हैं? इस वक्त शाम के 6 बज गए हैं, मगरिब की अजानें शुरू हो गई हैं। तो हम आए हुए हैं इस वक्त, दरअसल मैं आपने पिछली वीडियोज़ में देखा होगा कि वाइफ़ की तबीयत कुछ डिस्टर्ब रही है, तो कुछ आज उनको डॉक्टर के पास लाना था और कुछ इंजेक्शंस वगैरह कुछ मेडिसिन करवानी थी, तो उसके लिए आए हुए हैं। तो मैं अब वो अंदर गए हुए डॉक्टर के पास, मैं इधर गाड़ी में अभी वेट कर रहा हूँ उनका बैठा हुआ। तो फिर इंशाल्लाह आगे एक दो जगह और भी जाएंगे। ये इधर हॉस्पिटल आए हुए हैं, तो कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगवाने थे तो उसके लिए आए हुए हैं। दोस्तों इस वक्त हम शाहरा फैसल पे हैं, बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा लग रहा है, लाइट गाड़ियों की लाइटें और हल्का हल्का अंधेरा हो गया हुआ है, मुकम्मल अंधेरा अभी नहीं हुआ। रीजेंट प्लाजा होटल, तो आज फिर हम यहाँ से गुज़र रहे हैं तीन तलवार क्लिफ्टन पे। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि हम बल्कि हर जगह जहाँ पे भी जाते हैं ट्रैफिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है ट्रैफिक।
अभी भी इस वक्त हम काफ़ी देर से इस सिग्नल पे जो है ना वो यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों इस वक्त तकरीबन 8:30 बज गए हैं रात के। हमने एक जगह जाना था काम से, वहाँ से भी तकरीबन 1.5 घंटा हमें लगा है फारिग होते हुए। तो अब यहाँ पे आए हुए थे तो हमें मालूम हुआ है कि हमारे बुज़ुर्ग हमारे मामू की तबीयत ख़राब है कुछ दिनों से। तो जब करीब आए हुए तो हमने कहा उनकी भी इयादत करते हैं, उनसे भी मिल के जाते हैं। तो अभी हम नेवी हाउसिंग क्लिफ्टन की तरफ जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। ये हम पहुंच गए हैं जमजमा, ये क्लिफ्टन नेवी हाउसिंग स्कीम। ये दोस्तों हम नेवी हाउस स्कीम में आ गए हैं मामू से मुलाकात करने के लिए। उनकी इयादत करेंगे, उनकी खैरियत पूछेंगे और फिर तकरीबन कोई 15-20 मिनट आधा घंटा बैठेंगे उनके पास, गपशप लगाएंगे और फिर वापस इंशाल्लाह। मामू के पास बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, बड़े जॉली मूड वाले हैं मामू हमारे। मामू की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इनके घुटनों में काफ़ी प्रॉब्लम है। माशाल्लाह एज भी 85+ है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बड़े सीनियर ये हैं। और इनको क्वीन, यूके की जो क्वीन थी उनसे गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं ये इस रिसर्च में टेक्सटाइल के हवाले से। ये दोस्तों अभी हम मामू से मिल के निकले हैं और अभी हम इस वक्त क्लिफ्टन से ये टर्न लेके वापस घर की तरफ जाएंगे। तो टाइम तकरीबन रात के 9:30-10 तकरीबन हो गए हैं। ये इस वक्त हम जो पुराना मशहूर नाम था सब मरीन सुरंगी उसके अंडरपास से गुजर रहे हैं। क्लिफ्टन सब मैरीन राउंड अबाउट के अंडरपास है। ये दोस्तों कराची की खूबसूरती, नाइट लाइफ, नाइट विजन ऑफ कराची, रोशनियों का शहर कराची।
बनानी थी फोटो। सेंटर कह लें या मार्केट में हम आए हुए हैं कुछ चीज़ें देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त रात के 10 बजे हम इंशाल्लाह घर पहुंच गए हैं। तो इस वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम और बेहतर आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी इंशाल्लाह हमारा प्लान हो रहा है कुछ विज़िट का, तो वो भी हम इंशाल्लाह आपको जल्द बताएँगे। पूरी सीरीज़ एक आपको दिखाएँगे ट्रैवलिंग की और कहाँ कहाँ हम जाएँगे इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्ते में या 10-15 दिन में हमारा एक प्लान बन रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना ज़रूर याद रखिएगा, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सबके मामलात अच्छे रखे, आपके हमारे सबको अल्लाह ताला अपना रहम अपना करम फरमाए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।